तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल में क्रिएट टेबल और समराइज फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि आपके सामने मेरा एक डेटा दिख रहा है पावर बीआई में, और मुझे इस डेटा के ऊपर अगर कोई समरी बनानी है तो सिंपल सा हम यहाँ टेबल या मैट्रिक्स लेते हैं और हम इस पे टेबल बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई इंसेंटिव लगाना है, तो हम टोटल पे नहीं लगा सकते और डेटा पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा पे हमें टोटल पे करना है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो पर एंट्री पे हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। तो हमें एक अलग टेबल के अंदर में, एक अलग टेबल के अंदर में हमें चाहिए डेटा, जो उसकी समरी, जैसे पिवट में समरी होती है उस तरह से समरी चाहिए होगी। तो इस समरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल और समराइज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने न्यू कॉलम पे लिया, न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कोई भी अपना, भी नाम देना, सॉरी कॉलम ला दिया, उससे गलती हो गई, हमें कॉलम नहीं न्यू टेबल पे जाना चाहिए, न्यू टेबल। और यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे देता हूँ CRT, और यहाँ हम देते हैं क्रिएट टेबल। इसके अंदर भी हम लगाएंगे समराइज का फॉर्मूला। समराइज के फॉर्मूले में सबसे पहले बोलता है टेबल कि आपको जो समरी बनानी है वो किस टेबल पे बनानी है। तो यहाँ हमने डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब बात करती है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब कि जो आप ग्रुप करना चाह रहे, जैसे पिवट टेबल में हम रो में रखते हैं ना, कॉलम में रखते हैं, तो रो में क्या रखना चाहते, किसके बिहाफ पे बनेगा। तो हमने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया, या नेम को सिलेक्ट करके टैप कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ग्रुप बाई कॉलम टू कर दीजिए, या फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नाम डाल दिया फील्ड का, और क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन में, तो हमने बोला सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी कर दीजिए, या फिर मैं कर देता हूँ मैं सम ऑफ टोटल। और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ आपके सामने नेम वाइज टोटल आ गया। अब यहाँ पे एक ब्लैंक रो भी आ गया। ब्लैंक रो आने के पीछे रीजन ये है कि डेटा में कहीं ना कहीं नेम मेरा ब्लैंक होगा। जी हाँ, नेम मेरा ब्लैंक कहीं ना कहीं होगा, इस कारण से ब्लैंक आया है। देखिए हाँ, ये चीज़ दिख रहे हैं ना, यहाँ पे गलत डाला हुआ है, तो मुझे नहीं, ब्लैंक नहीं चाहिए। तो आप इस पे अपना कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो CRT में आते हैं वापस, और यहाँ हम लास्ट में क्रिएट टेबल, कंडीशन जो लगता है वो समराइज पे नहीं, क्रिएट टेबल पे लगता है। तो क्रिएट टेबल पे हमने यहाँ पे बोला कि नेम लेन लगा देता हूँ, कि लेन नेम, लेन का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एंटर प्रेस किया, अब मेरे पास सही रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि मुझे एक और कॉलम क्वांटिटी के साथ, मान लीजिए मुझे जो है मुझे GST आना चाहिए, तो यही आप बार या साइड में नहीं देंगे, यहीं पे देंगे, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना यहीं पे देंगे आप, कॉमा लगाइए, दो कॉमा के बीच में मैंने यहाँ पे लगा दिया। मान लीजिए मुझे चाहिए सिटी चाहिए, तो दो सिटी, और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिटी भी आ गया। तो डेटा थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि हर पर्सन का, जो भी पर्सन है उसके हर पर्सन का सिटी यहाँ पे वो दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए, साथ में हमें दूसरा कॉलम भी चाहिए, मैं GST का भी टोटल हमें निकालना है। तो ये हमें समराइज के अंदर में यहाँ पे कॉमा देते हैं, और कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ GST एंड कॉमा, और यहाँ पे देता हूँ सम ऑफ GST, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका नेम भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, और GST भी आ गया। अब ये सीक्वेंस में नहीं आया, क्योंकि मैंने बार बार लगाया है, आपको सीक्वेंसली चाहिए होगा, तो एक बार सारा फॉर्मूला लगाएंगे तो सीक्वेंस आया, क्योंकि जब भी डेटा में कोई नया कॉलम ऐड होता है तो लास्ट में ऐड होता है, ये पावर बीआई की सेटिंग्स है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कैलकुलेट टेबल एंड समराइज फॉर्मूला। इसी तरह की हमारी वीडियो देखते रहिए और इस पर अपडेट लेते रहिए। थैंक यू।
Recording stopped.